मिशन 24x7 देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय मिस्त्रीपुर का किया औचक निरीक्षण। शिक्षा की गुणवत्ता सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बच्चों से पूछे प्रश्न और सुनी कविताएं। सदर तहसील के सहदेवपुर गांव के रहने वाले वेदराम ने अपने मकान पर कब्जा करने का लगाया आरोप। बोले, हरिश्चंद्र नाम के दबंग ने मकान पर कर रखा है कब्जा। पीड़ित ने डीएम से लगाई गुहार। मिर्जापुर में डीएपी खाद न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। किसानों का आरोप, सचिव अपने चहेते लोगों को बांटता है खाद। पुलिस ने आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। और बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने रैन बसेरों को तैयार करने के दिए निर्देश। बोले, 1 दिसंबर से रैन बसेरों को किया जाए शुरू। रैन बसेरों में पानी, शौचालय और रात में रुकने की सभी व्यवस्थाएं की जाए पूरी। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय मिश्रीपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने शिक्षा की गुणवत्ता सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछे और कविताएं भी सुनी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद शिक्षकों से आगामी नेट की परीक्षा के लिए तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय में बेहतर साफ सफाई रखने तथा बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। जलालाबाद के सरैया मोड़ के पास एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मोरंग से भरा हुआ ट्रक लालकुआं से बांदा की तरफ जा रहा था, तभी जलालाबाद के सरैया मोड़ के पास डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर लगते ही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और हेल्पर मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। तिलहर पुलिस ने नाजायज तमंचे और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खानपुर के रहने वाले सुभाष को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर एक नाजायज तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। मिर्जापुर क्षेत्र में डीएपी खाद न मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि सचिव अपने चहेते लोगों को खाद वितरित कर रहे हैं और ब्लैक में बेच रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। पुलिस का कहना है कि अब पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई के दौरान जनसामान्य की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुने और उनका त्वरित निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। जमुनिया दौलतपुर के पास तेज रफ्तार स्कूल वैन ने ई रिक्शे में टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन जलालाबाद की तरफ जा रही थी, तभी कांट की तरफ से आ रहे ई रिक्शे से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में ई रिक्शे का शीशा टूट गया और 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जलालाबाद सीएससी भेजा गया है। तहसील सदर के सहदेव गांव के रहने वाले बेदराम ने अपने मकान पर एक दबंग का कब्जा होने का आरोप लगाया है। आरोप है कि हरिश्चंद्र नाम का दबंग उनके मकान पर कब्जा किए हुए है। इस संबंध में उन्होंने एक शिकायत जिलाधिकारी को दी है, जिसमें जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सभी रैन बसेरों को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि सभी रैन बसेरों को 1 दिसंबर से शुरू किया जाए। इसके अलावा रैन बसेरों में पानी, शौचालय और रात में रुकने की सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति खुले में सोते ना पाया जाए। जलालाबाद कस्बे में बरेली फर्रुखाबाद स्टेट हाईवे पर देर रात पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक को टक्कर मारने के बाद पिकअप चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। घायल बाइक सवार का नाम गोविंद शुक्ला बताया जा रहा है। फिलहाल घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
शहर के अंदर चल रही डेयरियों को लेकर जिलाधिकारी सख्त हो गए हैं। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर निगम को एक महीने के अंदर सभी डेयरियों को नगर क्षेत्र से बाहर भेजने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा ई रिक्शा संचालन के लिए दिए गए रूटों पर सख्ती से उसका पालन करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने अवैध बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड को भी बंद करने के निर्देश दिए हैं। खुदागंज पुलिस ने तमंचे और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान भुंडी गांव के रहने वाले अरविंद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। तिलहर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खिरियामाल गांव के रहने वाले वीरेश सिंह को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वीरेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें वह हाजिर नहीं हो रहा था। इसके बाद न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। वहीं अब पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिलाधिकारी ने खास बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आपत्तियों का निस्तारण और परीक्षण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। साथ ही जो नए परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं उनकी विस्तार से रिपोर्ट भी बनाकर उनके सामने पेश की जाए। खासतौर पर परीक्षा केंद्रों के संबंध में प्राप्त शिकायतों को गहनता से जांचा जाए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारियों ने आज शहर के सदर बाजार क्षेत्र से दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवाया। यह अभियान घंटा घर तक चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों के तहत वाहनों की चेकिंग कराई गई और कई वाहनों के चालान भी किए गए।